साइफर केस में रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। FIA ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मजीद जानते हैं, सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, मजीद तफसील दीजिएगा इसकी। जी, शाह महमूद कुरैशी को आई साइफर केस में अदालत में पेश किया गया ड्यूटी जज एहतशाम आलम की अदालत में। दोनों अतराफ की जाने से जो है वो दलाइल अपने दिए गए, जिसके बाद अदालत ने अपना मुख्तसर फैसला देते हुए शाह महमूद कुरैशी को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया है और हदायत किया कि कल उनको मुतलका अदालत में दोबारा पेश किया जाए ताकि मजीद उनका रिमांड हासिल किया जा सके या उनको जुडिशल भिजवाया जा सके। जिसके बाद FIA की टीम जो है शाह महमूद कुरैशी को अदालत से लेकर FIA हेडक्वार्टर की जानेब रवाना हो चुकी है। अली, आपका बहुत शुक्रिया। साइफर केस में रहनुमा तहरीक़ इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अब खबर आपकी दस्तरस में हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक्वामी हालात से यकीन के साथ।